नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात सूरत मांडवी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन समस्त हिंदू समाज के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज समिति के द्वारा भव्य तरीके से मनाया गया। प्रखर राष्ट्रवादी काजल बेन हिंदुस्तानी ने वीरतापूर्ण उपदेश दिया और युवाओं में जोश भर दिया। मांडवी नगर में राजमाता जीजाबाई के पुत्र हिंदू हृदय सम्राट राजाधिराज शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर दोपहर 4 बजे तापी मेन रोड स्थित आशापुरा माताजी मंदिर से बाइक रैली निकाली गई। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ डीजे और बाइक रैली निकाली गई। जगह जगह शिवाजी महाराज की प्रतिमा की फूलों से पूजा की गई, जिसमें जय भवानी जय शिवाजी गगन भेदी के नारे लगाए गए और शाम 7:30 बजे बाइक रैली सार्वजनिक धर्म सभा स्थल पर पहुंची और दीप प्रज्वलित कर काजल बेन हिंदुस्तानी और संतो महंत की उपस्थिति में हनुमान चालीसा के जाप के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर वक्ता के रूप में उपस्थित प्रखर राष्ट्रवादी काजल बेन हिंदुस्तानी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने नमन करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज का सपना देखा था। हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं, इसलिए हम साकार करेंगे उनका सपना। और जाति पाति भेदभाव, इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदू समाज को लव जिहाद, धर्मांतरण और हमारी जमीनों पर कब्जे के प्रति तभी जागरूक होना चाहिए जब हिंदू समाज एकजुट और संगठित हो। उन्होंने माता जीजाबाई की वीरता का उदाहरण प्रस्तुत कर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। इस कार्यक्रम में सूरत जिले और तापी जिले के बजरंग दल, विहिप एवं स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे। जगत न्यूज 24 गुजरात मांडवी से प्रदीप पल्वी के साथ दीपेश रामानंद की रिपोर्ट। जी, आज छत्रपति शिवाजी महाराज ना जन्म उत्सव निमित्ते मने मांडवी मा आवानो अवसर प्राप्त थियो छे। मांडवी ना लोको द्वारा आयोजित जे शोभा यात्रा हती एमा पण जोड़ावानो मने अवसर प्राप्त थियो। अहीं छेले सभा आवी संबोधित करी अने सभा संबोधन में जे सदैव देश प्रति आपणी चिंता होय छे एटले आजे मांडवीनो हिंदू समाज भेगो थयो छे। तो छत्रपति शिवाजी महाराजना जन्मोत्सव निमित्ते के छत्रपति शिवाजी महाराजे जे स्वप्न लीधुं तुं ने जे धर्म ध्वजा हाथमां लईने स्वराजनुं सपनुं एमने जे राख्युं तुं ए सपनुं हवे आपणे एनी संतानो छे, आपणे पूर्ण पाडवुं छे। ए माटे हिंदू समाजનું નાતી જાતિના ભેદભાવ મૂકીને એક થવાની બહુ જરૂરત છે અને હિન્દુ સમાજ એકત્રિતને સંગઠિત થશે ત્યારે જ આ લવ જિહાદી નર પિશાચી ભેડિયાઓનું સામનો કરી શકશે, ધર્માંતરણ ગેંગનો સામનો કરી શકશે, જે આપણા જમીનો ઉપર કબજો કરે છે, ગૌમાતાના કત્લ કરે છે, એનો સામનો કરવા માટે હિન્દુ સમાજનું એકત્રિત અને સંગઠિત રહેવું બહુ જરૂરી છે, એ જ સંદેશ મેં આજે પણ આપણા ઉદ્બોધનમાં આપ્યો છે। ધન્યવાદ। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।